भाई GTA 5 का नहीं पता था कि सात सात डिस्क देख रहे हो, सबके करेक्टर आप देख सकते हो, मतलब डिस्क में बने हुए अलग अलग। हे गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में भाई मैं लेकर आया हुआ हूँ आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट GTA 5 की डिस्क, वो भी अपने PC के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, PC के लिए जो GTA 5 आती है उसमें भाई सात सात डिस्क निकलती है। जी हाँ, सात। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो मैं समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि भाई सही में अगर आप ये खरीद लेते हो ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, ना ही खरीदो ये। कैसे खरीद, अगर ये ले भी लेते हो तो क्या सोल्यूशन है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस अगर आप ये नहीं लेते तो दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके क्या है GTA 5 को अपने PC में डालने के, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट कोई बात नहीं भाई, लंबी बने ठीक है, बट पसंद आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, 15,000 लाइक का एम रखते हो। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। अभी अभी मैंने देखा सेटिंग्स में कि 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरा चैनल, जो वीडियोस देखते बताओ। तो फायदा क्या हुआ, जो वीडियो देख रहा है भाई सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैं इसको 1800 रुपीज़ की खरीद के लाया था करोल बाग से, बहुत टाइम हो गया मुझे लाए हुए। अभी पता नहीं मार्केट में मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि इंडिया में ये आती नहीं है। ऊपर से PC गेम ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही खरीद लेते, क्योंकि अब वाईफाई और जियो सबके पास है, तो फिजिकल डिस्क PC की मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। हो सकता है आपको अमेजोन पर मिल जाए तो एक बार चेकआउट कर लेना। अनबॉक्सिंग की बात करें तो इस तरह का ये ऊपर एक एक कवर लगा हुआ है। कवर के अंदर ये दो हमारे पास पैकेट मिलते हैं, इसके अंदर है हमारी मेन डिस्क सारी की सारी, और एक ये एनवलप है। एनवलप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। फटाफट दो चीज़ें निकली है, एक ये बुकलेट है और एक ये है। इस वाले के पीछे लिखा हुआ है GTA 5 ऑनलाइन का एक कोड, और इसके पीछे लिखा हुआ है गेम को डाउनलोड करने का कोड। अब ये किस काम आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना ये खरीदना थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, बट उसका सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन यही है, मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा जो पैकेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और आप इसको जब ऐसे खोलते जाओगे यहाँ से खोलते जाओगे तो टोटल भाई सात डिस्क आपको इसके अंदर दिखेगी। वो बचपन में पायरेटेड वाली आती थी ना 5,000 रुपये की, मैक्सिमम भाई मैंने दो ही डिस्क देखी थी, वो भी मैक्स पेन 3 की। उससे पहले तो हमें पता होता था कि एक ही डिस्क होती है भाई, छोटी छोटी गेम्स है, 4 GB के अंदर आ जाती है, अपना डालो, डाउनलोड, इंस्टॉल करो और चल गई। बट मैक्स पेन 3 पहली गेम थी जो मैंने देखी थी जिसमें दो डिस्क आती थी, मतलब उसका सेटअप इतना बड़ा था। भाई GTA 5 का नहीं पता था कि सात सात डिस्क देख रहे हो, सबके करेक्टर आप देख सकते हो, मतलब डिस्क में बने हुए अलग अलग। और अगर ध्यान से देखोगे ना तो हर डिस्क में नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे इंस्टॉल डिस्क 1, ऐसी सारी डिस्क में है 2, 3, 4, 5, 6, 7। बट मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये डिस्क नहीं खरीदनी चाहिए, बेवकूफ़ी होगी अगर आप खरीदोगे जैसे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। सबसे पहले तो भाई हमारे जो PC आजकल के किसी में भी DVD राइटर नहीं मिलता, क्योंकि कैबिनेट में जगह ही नहीं आती है। अगर आप एक्सटर्नल वाले DVD राइटर रखते भी हो, इन केस बहुत लोगों के पास नहीं होता, बट अगर है भी तो भी भाई इसको इंस्टॉल करना ना अपने दिमाग पे पत्थर मारने जितना बराबर है। क्योंकि जब मैंने ये डिस्क खरीदी थी ना भाई, इंस्टॉल होके ही नहीं दे रही थी। पहले एक डिस्क डाली इंस्टॉल हो गई, दूसरी डाली हो गई, तीसरी डाली हो गई, चौथी डाली हो गई, पाँचवीं डाली हो गई, छठी डाली हो गई, सातवीं में एरर। इतना लंबा प्रोसेस, मेरे 1.5-2 घंटे लग गए उन सब होने में, और सातवीं डिस्क में एरर आ गया। मैंने कहा चलो एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं। फिर से मैंने करा, एक डाली, दो डाली, तीन डाली, चार डाली, पांच डाली, छह डाली, सात डाली, सातों के सातों डल गई, इंस्टॉल हो गया, गेम ऑन करने लगा, एरर, चली नहीं भाई। मैंने कहा लो जी, दो बार एक दिन में इतना टाइम वेस्ट हुआ, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा छड्डो जी, अब नहीं मैंने इंस्टॉल करनी। फिर मैं गूगल करने लगा इन कोड्स के बारे में, तो किस तरह से मैं इन कोड्स को यूज़ करके गेम को डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि भाई पैसे तो खर्च ही चुका हूँ ना डिस्क में। अब स्टीम से या फिर ऐप उससे रॉकस्टार लॉन्चर से खरीदने का क्या फ़ायदा, फिर से पैसे लग चुके हैं। तो मैंने कहा ये वाली चीज़ किस काम आती है, ये मैंने गूगल करा, और वो मैं आपको पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि भाई वो बड़ी मुश्किल से मिला था इस कोड को रिडीम करने का सीन। बाकी डिस्क में अपने 3 करेक्टर भी बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रेवर और फ्रैंकलिन है, और इधर की साइड देख लो माइकल है अपना। दूसरी चीज, डिस्क नहीं चलेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए गेम को डाउनलोड करने के लिए। मिलजुला के कुछ 80 से 100 GB के बीच में डेटा लग जाएगा आपका, मतलब जियो से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वाईफाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को ही भले ही लगा के छोड़ देना, सुबह तक डाउनलोडेड मिलेगी आपको। अब ये जो दो कोड है ना, एक तो है भाई ऑनलाइन का और एक है गेम को डाउनलोड करने का, इनकेस आपकी डिस्क नहीं चलती, खराब हो जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं, तो उस वाले केस के लिए ना ये एक्टिवेशन कोड दे रखा है, ताकि आप रॉकस्टार लॉन्चर से डायरेक्ट जो है गेम को डाउनलोड कर पाओ। वो मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से अपनी PC की स्क्रीन पे ले जाके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ का ध्यान कैसे रख रहा हूँ। आजकल मैंने अपने डेली
2014 में ये वाव लाइफ साइंस का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक लेना शुरू किया। ये एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक रो एंड अनफिल्टर्ड एंड अनपैस्टराइज होती है एंड विद मदर ऑफ विनेगर के साथ आती है। इससे पता लगता है कि इसका न्यूट्रिशन इसमें है और उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, जो कि के भाई काफी अच्छी बात है। अगर आप भी एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक लो ना कभी, तो ये ध्यान रखना कि वो मदर ऑफ विनेगर के साथ हो। बाकी ये एसी वी ड्रिंक काफी अच्छी रहती है, मॉर्निंग में उठते ही एम्प्टी स्टमक इसको एक ग्लास गर्म पानी में एक स्पून एसी वी मिलाकर पी सकते हो। ये ड्रिंक आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्पफुल है, इवन ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है। इसको डेली लेने से आपका ओवरऑल बॉडी वेट मैनेज रहेगा एंड डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जो कि काफी जरूरी है। ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा एंड आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आप वार्म वाटर में इस एसीवी को मिक्स करके गार्गल कर सकते हो, जिससे कि आपकी बैड ब्रीथ की जो इशू है वो काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसको ना आप अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो वाटर के साथ डाइल्यूट करके, क्योंकि ये आपके बालों में शाइन ऐड करता है। मतलब इतने सारे फायदे, रुको, अरे हाँ एक और फायदा रह गया, इसको आप अपने फेस पर भी लगा सकते हो। अगर आपका फेस ऑयली रहता है या फिर पिंपल्स जैसे इशू आते हैं तो ये उसमें भी हेल्प कर देगा। मतलब देख रहे हो भाई, एक ड्रिंक है और इतने सारे बेनिफिट, तो आप भी भाई ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, साथ ही साथ स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा MOLJSWELL20, इसको यूज करोगे अगर आप वाओ की ऐप और वेबसाइट पे, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। खरीद आप अमेजोन नाइका से भी सकते हो, बट वहां पे कूपन कोड नहीं चलने वाला। फटाफट से लो और चलते अब अपने पीसी में, फाइनली करते हैं गेम को इंस्टॉल। सबसे पहले तो भाई आपको ब्राउजर पे जाके लिखना है rockstarsocialclub.com, ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर नॉर्मली आपको साइन अप करना है, क्योंकि आईडी आपकी होगी नहीं, अगर होगी पहले की कोई तो साइन इन कर लेना। सिंपल साइन अप करने के बाद आप जो इनका यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो ना, डाउनलोड लॉन्चर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा। साइन अप करने का ज़रूरत इसलिए पड़ती है, वैसे ना भी करते यहाँ पर आप सीधा लॉन्चर में जाके कर सकते थे। इंस्टॉल करने ना लॉन्चर को, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आपका लॉन्चर दिखेगा। यहाँ पर जाकर भी आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हो। अगर वहीं पे वेबसाइट पे बना लिया था तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर अपनी सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाल दो। उसके बाद भाई आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा रिडीम कोड का ऑप्शन, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको वो कोड डालना है जो उस पर्चे में मिला था ना, मैं रिडीम कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो कोड आपको यहाँ पर डालना है और चेक करना है। अगर वो कोड सही हुआ या पहले यूज्ड नहीं हुआ तो ये चेक करके बता देगा कि GTA 5 का कोड है और वो गेम जो है वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। जैसे मेरी लाइब्रेरी में यहाँ पे 3 गेम्स है, सैन एंड्रियास, GTA 5 और Red Dead Redemption 2, तो इसी तरह से आपकी GTA 5 यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगी। और मेरे पास जो प्ले का ऑप्शन है ना, इसकी जगह आपको मिलेगा इंस्टॉल करने का ऑप्शन, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वो 80 से 90 GB या 100 GB जितना भी डेटा होगा वो डाउनलोड कर लेगा आपका। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब डाउनलोड हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मतलब DVD में तो ये होता था कि एक फाइल भी करप्ट हो गई या डिस्क में स्क्रैच आ गए तो वो इंस्टॉल ही नहीं होती थी, या इंस्टॉल हो भी जाती थी तो एंड में चलती नहीं थी। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर यहाँ से आपने पूरी की पूरी डाउनलोड कर ली ना बिना इंटरनेट इंटरप्शन के, तो भाई आपकी गेम चलेगी चलेगी। ये नहीं मतलब पोटैटो PC में GTA 5 डाल दो, जो रिक्वायरमेंट्स भी मैच करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ये डिस्क खरीदना ही नहीं चाहते तो सेम प्रोसीजर पूरा आप करो, रॉकस्टार लॉन्चर डाउनलोड करो और यहाँ पर जब आप स्टोर पर जाओगे ना, तो यहाँ से आप GTA 5 सर्च कर सकते हो। जैसे इस टाइम पे रेड डेड रिडेम्पशन जो है वो ऑनलाइन वाली 1499 की मिल रही है, ऐसी GTA 5 भी आपको यहाँ पर मिल रही है 2099 की प्रीमियम एडिशन, जिसमें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो अगर डिस्क नहीं खरीदनी। डिस्क अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई फिजिकल कलेक्शन भी मुझे रखना है और गेम भी खेलनी है, तो डिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लेना, बट नेट चाहिए। अगर आप डिस्क से पैसे खर्चना नहीं चाहते, क्योंकि अभी 3,000-3,500 की डिस्क मिलती है, मेरे टाइम जब मैंने ली थी 1800 की बहुत सस्ती मिल गई थी, अगर महंगी मिल रही है तो भैया यहीं से लो, आपको फायदा है। इसके अलावा आप स्टीम पे भी चेक कर सकते हो स्टीम पर कितना प्राइस चल रहा है। जैसे इस टाइम पे GTA 5 प्रीमियम एडिशन का चल रहा है 1978, यानी कि रॉकस्टार लॉन्चर से सस्ता ही चल रहा है, चाहे थोड़ा ही सस्ता है बट सस्ता तो है ना भाई, तो आप यहां से भी वो खरीद सकते हो। बट सच्ची बताऊं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई रॉकस्टार लॉन्चर से ही लो, अगर आप GTA 5 के मोड्स वगैरह डालना चाहते हो ना, लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो रॉकस्टार लॉन्चर से थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी ये जो एपिक गेम्स और इन सब स्टीम वगैरह से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो लंबा भी नहीं, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, बट अगर ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं है, 50-100 रुपये का ही फ़र्क है, तो रॉकस्टार लॉन्चर से लेना प्रेफर करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये प्रोसेस ना जो कोड रिडीम करने का, अभी बहुत भाई ईजी हो गया जब से ये रॉकस्टार लॉन्चर आया है। जब ये रॉकस्टार लॉन्चर नहीं था ना, जब मैंने डिस्क खरीदी थी उस टाइम पे, तो भाई इनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर एक लिंक था रिडीम करो, बहुत पंगे होते थे। अब सिंपल है, रॉकस्टार लॉन्चर डाउनलोड करो, रॉकस्टार लॉन्चर और अपना यहाँ रिडीम कोड पे डाल दो कोड और चेक करो, अपना गेम जो है आपकी ऐड हो जाएगी।
सिंपल प्रोसीजर माई फ्रेंड। बाकी मुझे नहीं लगता अभी मेरे को चला के दिखाने की जरूरत है आपको गेम, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार गेम प्ले कर चुके हैं ना, तो यही चीजें समझाना चाहता था बस मैं आपको। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप एक फिजिकल डिस्क लेना पसंद करोगे या ऑनलाइन खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि फिजिकल डिस्क 500-1000 रुपए महंगी मिल रही है ऑनलाइन वाले से जो आप डिजिटल खरीदते हो। अगर सेम मिल जाती है, या मेरे केस में तो 1800 की मिली थी, तो भाई आप फिजिकल डिस्क लाओ मस्त, और वो कोड जो है उससे डाउनलोड कर लो, डिस्क की डिस्क रहेगी उसमें, वहां मैप भी निकलता है उसमें एक बहुत बड़ा, मेरा फट गया वो, ब्रूनो ने फाड़ दिया था मैप, तो मैप भी मिलेगा आपको उसके अंदर, प्लस में डिस्क है, साथ साथ अपना दीवार पर टांग देना उसको, मस्त लगेगा। चलो भाई फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी। ये डिस्क ना ही खरीदो तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब एक होता है कि हाँ कलेक्शन के लिए लोग रखते हैं फिजिकल डिस्क, तो कलेक्शन के लिए आप रख सकते हो, बट एट दी एंड आपको डाउनलोड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डीवीडी राइटर नहीं होगा, और होगा भी तो इतनी मगजमारी कौन करेगा, उससे अच्छा भैया अपना इंटरनेट यूज करो और टन टनाटन। ठीक है जी, फिर पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो भाई। बाकी वाओ का प्रोडक्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज पीछे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।